हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ बी एस आई अकेडमी क्लासेज प्रेजेंटेड बाय संदीप। आज के इस वीडियो में हम डेटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन करेंगे और ये डेटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के IBPS पेपर में आया था और डेटा इंटरप्रिटेशन के और बाकी क्वेश्चन बी एस आई अकेडमी के चैनल पर हमने अपलोड कर दिए हैं, आप लोग देख सकते हैं। इसके साथ डेटा इंटरप्रिटेशन का एक UGC नेट सीरीज पहले से अपलोड की जा चुकी है BSI अकेडमी पर, आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मेरे बारे में कुछ विवरण। मेरा नाम संदीप है, मैंने MTech किया कंप्यूटर साइंस से, साथ में इसके बाद मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियर में 2 साल का कार्य है मेरे पास, और इसके बाद मैंने SSC CGL IPS और गवर्नमेंट एग्ज़ाम काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स मैंने क्रैक किए हैं और राइट नाउ मैं एक रिसर्च साइंटिस्ट की पोस्ट में वर्क कर रहा हूँ और साथ में मैं पिछले 4 साल से स्टूडेंट्स को गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन करा रहा हूँ। तो ये वीडियो में हमने हिंदी फॉन्ट का यूज़ किया है क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स ने मुझे मेल किया था और उन्होंने बोला कि सर आप अगर DI सेक्शन डेटा इंटरप्रिटेशन का सेक्शन आप क्रिएट कर सके हिंदी फॉन्ट में तो बहुत अच्छा रहेगा, तो मैंने उनके लिए स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो क्रिएट करा है। तो सबसे पहले हम इसके डेटा को एनालिसिस कर लें। तो इसके डेटा में हमको दिया गया है कि एक तरफ हमें पाई चार्ट गिवन है, ये पाई चार्ट है, और एक तरफ हमें बार ग्राफ गिवन है, बार ग्राफ। ठीक, अब देखिए पाई चार्ट्स के अंदर हमें वैल्यू दी गई है A से लेकर F तक, यानी A, B, C, D, E, F, ये स्कूल्स हैं और इनकी विद्यार्थियों की संख्या प्रतिशत में दी गई है। आप देख सकते हैं जैसे A की वैल्यू 12%, B में 9%, C में 26%, D में 18%, E में 29% और F में 6%, और कुल विद्यार्थियों की संख्या 6000 है। देखिए इन जो क्वेश्चंस में जो फॉन्ट है थोड़ा मिसमैच हो सकते हैं क्योंकि इंग्लिश से इनको कन्वर्ट करके हिंदी में लिया गया है, तो इसमें थोड़ी सी इंग्लिश हिंदी की स्पेलिंग में मिस्टेक हो सकती है, सो प्लीज़ उसको माइंड ना करें। आपको वैसे उसमें अर्थ, उसका मीनिंग आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। जैसे विद्यार्थी को अगर हिंदी में लिखेंगे तो इस तरह से नहीं लिखेंगे, बट फिर भी हमने विद्यार्थी इसी तरह से इंग्लिश फॉन्ट से जब हिंदी फॉन्ट में कन्वर्ट करते हैं तो उसको ये चेंज हो जाता है, तो प्लीज़ इसको माइंड मत कीजिएगा। उसी तरह से एक तरफ बार ग्राफ में A, B, C, D, E और F 6 स्कूल दिए गए हैं और उनमें लड़कों की संख्या को दिया गया, जैसे A में 500 है लड़कों की संख्या, B में 400, C में 900, D में भी 600, E में 1200 और F में 100। तो एक एक करके हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे इस डेटा के ऊपर जो क्वेश्चन हमें दिया गया है। तो हम चेक करते हैं क्वेश्चंस को पहले। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे सामने, तो हमें क्वेश्चन 1 में दिया गया है कि स्कूल सी और स्कूल ई में लड़कियों की और स्कूल डी में लड़कों को मिलाकर कुल संख्या हमें बतानी है, ज्ञात करनी है। तो स्कूल सी पहले देखें, स्कूल सी में विद्यार्थियों की संख्या है 26% और स्कूल ई में विद्यार्थियों की संख्या है 29%। तो स्कूल सी में 26% और 29% पहले हम निकालें 6000 का, तो 6000 का जब हम 26% निकालेंगे, बहुत आसान है क्योंकि 6000 का 10% है, 10% है 600। ठीक, और 2600 को निकालेंगे, 26% निकालेंगे तो इसको ब्रेक कर लेंगे 20+6% में, 20% और 6% है तो 20% होगा 1200 और 6% होगा 360, तो ये हो जाएगा हमारा 1560 हो गया। उसी तरह से 6000 का 29%, 6000 का 29% को निकालने के लिए 30% माइनस 1% निकालते हैं, 30% होगा 6000 का 1800 क्योंकि 10% 600 इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, माइनस 60, यहाँ से हमको मिल जाएगी वैल्यू 1740। अब ये जो विद्यार्थियों की संख्या है, कुल विद्यार्थियों की संख्या है, इसमें लड़के और लड़कियां दोनों शामिल हैं बट हमको केवल लड़कियों की संख्या चाहिए। तो देखो लड़कों की संख्या स्कूल सी में 900 है और स्कूल ई में 1200 है, तो हम 1560 में से 900 को माइनस करें तो हमको मिल जाएगा स्कूल सी में लड़कियों की संख्या आ जाएगी, जब आप 1560 में से माइनस करेंगे 900 को तो संख्या मिल जाएगी हमको 660। उसी तरह से स्कूल ई में से जब हम 1740 में से 1200 को माइनस करेंगे तो हमको वैल्यू मिल जाएगी 540। तो ये जो संख्या आई है वो लड़कियों की संख्या आ गई सी और ई में। अब हमें डी में लड़कों की संख्या बतानी है, तो डी में स्कूल लड़कियों की संख्या है 600, तो अब हम क्या करते हैं इन तीनों वैल्यूज को ऐड कर देते हैं, तो 660 + 540
प्लस 1200, सॉरी 1200 नहीं, हमें डी में 600 है संख्या, सॉरी 600 है, उसको ऐड करें तो इनको ऐड करने के बाद हमें वैल्यू मिलेगी 1800। ठीक, तो 1800 हमारा करेक्ट आंसर है, यानी डी इज अवर करेक्ट आंसर, 1800 जो है वो करेक्ट आंसर है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, स्कूल सी में लड़कों की संख्या, स्कूल बी में लड़कियों की संख्या और स्कूल ई में विद्यार्थियों की कुल संख्या के बीच में हमें अनुपात बताना है। तो स्कूल सी में लड़कों की संख्या, तो पहले सी में विद्यार्थियों की संख्या 26% है और लड़कों की संख्या स्कूल सी में कितनी है, 900, ये हमें गिविन है। स्कूल बी में लड़कियों की संख्या, स्कूल बी में लड़कियों की संख्या, तो बी में टोटल स्टूडेंट्स है 9%, तो 6000 का 9% निकालें, तो 6000 का जब 9% निकालेंगे तो आपको मिलेगा 540, क्योंकि 6000 का 10% होगा 600 और उसमें से माइनस कर दीजिए आप 60 को, क्योंकि 1% माइनस करना है, तो ये आ जाएगा आपका 540। ठीक, 540 आ गया। अब उसी तरह से ये टोटल वैल्यू आई है 540, लड़कियों लड़के लड़कियां दोनों इसके अंदर, तो अब स्कूल बी में लड़कों की संख्या 400, इसमें से माइनस कर दें हम, तो हमको मिल जाएगा 140। इस 140 जो संख्या आई है वो गर्ल्स की आ गई, और कौन से स्कूल में आई है, ये स्कूल में आई है हमारी बी स्कूल में। अब स्कूल ई में विद्यार्थियों की कुल संख्या, तो ई में विद्यार्थियों की कुल संख्या 29% है, अभी हमने थोड़ी देर पहले निकाली थी उनकी संख्या, तो हमने निकाली थी वो 7740। अब हम इसका रेशो निकाल दें, तो स्कूल सी में लड़कों की संख्या है 900, स्कूल बी में लड़कियों की संख्या है 140 और स्कूल ई में टोटल स्टूडेंट्स है 1740, रेशो आ गया। तो अब इसका रेशो निकालते हैं, 0 से 0 कैंसिल कर दें, देन फर्दर 2 से डिवाइड करेंगे, तो 45:7 इस टू यह आ जाएगा 87, तो 45:7:87 ये हमारा आंसर आ गया, तो 45:7:87 ये आंसर है, यानी सी इज अवर करेक्ट आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, तो स्कूल एफ में विद्यार्थियों की कुल संख्या, स्कूल एफ में विद्यार्थियों की कुल संख्या, स्कूल ई में लड़कों की कुल संख्या के बीच के अंतर बताना है। तो एफ में देखें हम, एफ में 6% वैल्यू है, तो 6000 का 6% बहुत आसान है, आप चाहें तो 5% + 1% निकाल सकते हैं, तो 5% + 1%, तो 5% निकालने के लिए 10% निकालें, 600 आएगा, और 600 का आधा यानी 300 जो 5% हो जाएगा, और 1% इसका आएगा 60, यानी ये आ जाएगा 360। ठीक है स्टूडेंट्स, अब स्कूल ई में लड़कों की कुल संख्या, स्कूल ई में लड़कों की कुल संख्या है 1200, तो 1200 माइनस दोनों का अंतर निकालना था 360 का, तो ये वैल्यू आ जाएगी 840, तो यानी ई हमारा करेक्ट आंसर है, ई इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्कूल में विद्यार्थी कुल संख्या लड़के एवं लड़कियों दोनों मिलाकर स्कूल ई में लड़कियों की संख्या के समान है। ठीक, तो हम निकालते जरा, तो पहले ई में टोटल स्टूडेंट देखें हम, तो ई में टोटल स्टूडेंट है 29%, यानी हम पहले इसकी वैल्यू निकाल चुके हैं 1740। अब ई में स्कूल में लड़कों की संख्या है 1200, तो उसको माइनस करें यानी 540। अब देखिए किस स्कूल में लड़के और लड़कियों की संख्या 540 है, अभी 540 जो है वो 6000 का कितना होता है, 9% होता है, क्योंकि 6000 का 10% होगा 600, उसमें से 1% माइनस कर देंगे तो 540 आएगा। तो आप देखिए किस स्कूल में 9% विद्यार्थी मौजूद हैं, तो केवल बी स्कूल में 9% विद्यार्थी मौजूद हैं, तो उसका आंसर है बी, बी स्कूल, और बी इसका ऑप्शन है, तो करेक्ट आंसर बी हो गया हमारा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कूल ए में लड़कियों की, स्कूल ए में लड़कियों की संख्या स्कूल बी में विद्यार्थियों की कुल संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है। तो ए के अंदर पहले टोटल स्टूडेंट्स निकालें, तो ए में टोटल स्टूडेंट्स है 12%, जो कि बराबर होगा 6000 का, 6000 निकालें, 6000 का 12% निकालेंगे तो हम इसको ब्रेक कर लें 10 + 2% तो ये हो जाएगा 600 + 120 जो कि बराबर है 720 के। अब
स्कूल बी में कुल विद्यार्थियों की संख्या अभी निकाली थी हमने, हमने निकाली थी कितनी 540, अब देखिए 720 जो स्कूल ए में निकाली है इसमें टोटल स्टूडेंट्स हैं ये 720, इसमें से 500 माइनस कर दें तो हमें मिलेगा, लड़कियों की संख्या मिलेगी हमें 220, ठीक 220 मिलेगी। अब 220 का परसेंट निकालना है, प्रतिशत निकालना हमें 540 में से, तो 220 मैं इधर साइड में कर देता हूँ, 220 डिवाइड बाय 540, आप इसको जब निकालेंगे कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 11/27, 11/27 का जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका अप्रॉक्सीमेटली आंसर आएगा 40%, अप्रॉक्सीमेटली आएगा, वैसे इसका एग्जैक्ट आंसर मोर देन 40.74 आएगा, बट हमने अप्रॉक्सीमेटली पूछना है क्योंकि हमें चार ऑप्शन पांच ऑप्शन दिए गए हैं तो 40% इसका क्लोजली आंसर है, तो इसका हमारा आंसर 40% लगा देंगे, यानी ई इज अवर करेक्ट आंसर, यानी हमारा जो आंसर होगा वो ई होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपने देखा इस वीडियो में हमने डेटा इंटरप्रिटेशन के कुछ और क्वेश्चंस को सॉल्व करे डेटा को लेकर, और ये भी इसमें भी जो डेटा हमें दिया था वो मिक्स ग्राफ में फॉर्म में था, यानी एक से अधिक ज़्यादा फिगर हमें दी गई थी, तो इसके अंदर आपने देखा कि किस किस तरह से हमने आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया, तो आगे भी इसी क्रम को हम जारी रखेंगे और डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन और साथ में कुछ और भी वीडियोस आपके अलग अलग टॉपिक्स पर हम लेकर आएंगे, और अगर आपको कोई और वीडियो आपको क्रिएट करवाना है या फिर आपको कोई आपकी क्वेरी है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं मेरे ईमेल आईडी पर, भाई ईमेल आईडी sandeep2006@gmail.com, और अगर आपको लगता है कि आप इसको वीडियो को लाइक करें तो प्लीज़ लाइक द वीडियो ऑल्सो एंड राइट योर कमेंट्स ऑल्सो इन यूट्यूब सेक्शन, और प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।